नमस्कार किसान भाइयों, मैं संदीप श्रीवास्तव लाइव टुडे के इस खास कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि हर बार हम आप सभी के लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं, उसी तरह हम आज फिर हाजिर हैं आप सबके लिए बहुत कुछ खास लेकर। किसान भाइयों, कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम बात करेंगे राजमा की खेती की। शाकाहारी भोजन में राजमे की मांग देश दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। राजमा की खासियत यह है कि एक तरफ जहां ये स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक है, वहीं दूसरी तरफ इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया में न जाने कितने लोग राजमा चावल जैसे भारतीय व्यंजन को बड़े शौक से खाते हैं। बेशक आप भी इसके शौकीन होंगे। अगर ये सच है तो हम आपको बता दें कि राजमा न केवल स्वाद में मजेदार है, बल्कि इसके सेहत से जुड़े लाभ भी गजब के हैं। राजमा प्रोटीन का भंडार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके इस पसंदीदा व्यंजन में सोयाबीन से भी ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा ये मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोरस, विटामिन, आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भी भरपूर है। आज हम आपको राजमा के कुछ ऐसे फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। स्वास्थ्य संबंधी फायदे। राजमे के सेवन से माइग्रेन की समस्या में लाभ मिलता है। राजमे में मौजूद फोलेट और मैग्नीशियम दिमागी क्षमता को बढ़ाता है। राजमा में मौजूद घुलनशील फाइबर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करते हैं। राजमा प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है और ये ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। राजमे के सेवन से नर्वस सिस्टम को भी लाभ पहुंचता है। राजमा अल्जाइमर जैसी बीमारी को दूर करने में भी मददगार है। राजमा को किडनी बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत समेत दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में राजमा बेहद चाव से खाया जाता है। जिस तरह भारत में राजमा बेहद पसंद किया जाता है, उसी तरह मैक्सिकन फूड में भी ये प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाता है। राजमा पूरे शरीर का पोषण करता है। तो किसान भाइयों, राजमा की खेती के लिए क्या क्या जरूरी है ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले ये जानकारी देंगे कि राजमा की खेती के लिए जलवायु और भूमि कैसी हो। जलवायु और भूमि। राजमा को शीतोष्ण और समशीतोष्ण दोनों तरह की जलवायु में उगाया जा सकता है। राजमा की अच्छी पैदावार के लिए 10 से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। राजमा हल्की दोमट मिट्टी से लेकर भारी चिकनी मिट्टी तक में उगाया जा सकता है। राजमा की हरी फलियों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 हो तो अच्छी मानी जाती है। खेत में पानी के निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तक आपने जाना राजमा के लिए उत्तम भूमि और जलवायु के बारे में। राजमा की खेती में भूमि की अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता होती है, इसलिए जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरा बनाना आवश्यक है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि कैसे करें भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी। खरीफ की फसल के बाद खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2-3 जुताई देशी हल से करनी चाहिए। खेत को समतल करते हुए पाटा लगाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए। दोमट तथा हल्की दोमट भूमि उपयुक्त है। लवणीय सोडिक भूमि उचित नहीं होती। प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। 2-3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करने पर खेत तैयार हो जाता है। राजमा मैदानी क्षेत्रों में अधिक उगाया जाता है। राजमे की अच्छी पैदावार हेतु 10 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, अब आपको बताते हैं कि खाद और उर्वरक की कितनी मात्रा रखें ताकि फसल को कोई भी हानि ना पहुंचे। राजमा की खेती में नाइट्रोजन का बहुत महत्व है। जो किसान इसका प्रयोग नहीं करते हैं, राजमा की गुणवत्ता और उपज दोनों ही प्रभावित होती है। आइए अब हम आपको पोषण प्रबंधन के बारे में समझाते हैं। पोषण प्रबंधन। 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर,
60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर, 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर, 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर। देश में राजमा की खेती को बढ़ावा देने के लिए आधा दर्जन राजमा की नई किस्मों को विकसित किया गया। इस बार रबी सीजन में राजमा की नई किस्मों की खेती करके किसान अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। राजमा की बुआई का समय अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से शुरू होता है। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों को अभी से राजमा की बुआई की तैयारी करने की सलाह जारी की है। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम आपको राजमा की प्रजातियों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ इसकी बुआई के समय के बारे में भी बताते हैं। उन्नतशील प्रजातियां PDR 14, मालवीय 137, BL 63, IIPR 96, HPR 35, BL 63। तो किसान भाइयों, ये तो थी राजमा की खेती से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको भी कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें बता सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको राजमा की खेती से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों से रूबरू कराएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में। किसान भाइयों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप राजमा की खेती कर सकते हैं और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको राजमे की खेती में कीट प्रबंधन, फसल की खुदाई और भंडारण के बारे में जानकारी देंगे। राजमा के उत्पादन में लगने वाला समय दूसरी दलहनी फसलों की अपेक्षा अधिक लगता है। देश के उत्तर पूर्व भाग में राजमा की बुआई का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते तक होता है, लेकिन देश के उत्तर पश्चिमी भाग, खासतौर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में अधिकतम उपज सितंबर के मध्य में बोने से प्राप्त होती है। आइए अब हम जान लेते हैं कि राजमे के बीजों की बुआई कैसे कर सकते हैं जिससे हमारी फसल बेहतर हो और हम मोटा मुनाफा कमा सकें। बुआई राजमा के बीज की मात्रा 120 से 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। राजमा की बुआई लाइनों में करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। इसकी बुआई 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में करते हैं। देर से बुआई करने पर राजमा की उपज में भारी गिरावट हो जाती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में तापमान में गिरावट के कारण राजमा के पौधों की वानस्पतिक बढ़ोतरी घट जाती है, जिससे फलियों की संख्या और दोनों के भार दोनों में कमी आ जाती है। अब हम जान लेते हैं कि राजमा की खेती में बीज दर कितनी होनी चाहिए। बीज दर राजमा की खेती के लिए 120 से 140 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर जरूरत होती है। राजमा से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए 2.5 से 3.5 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर जरूरी होते हैं। पौधों की ये संख्या दानों के भार के अनुसार हासिल की जा सकती है। राजमा की खेती में पानी की काफी कम जरूरत पड़ती है, इसलिए जमीनी पानी के गिरते स्तर को बचाने में भी मददगार फसल मानी जाती है। वैसे तो राजमा की खेती पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होती है, लेकिन इस फसल में कम समय में अच्छी उपज मिलने के कारण अब प्रदेश के पूर्वोत्तर हिस्से के किसान भी इसे अपनाने लगे हैं। जल प्रबंधन के बगैर बेहतर पैदावार की उम्मीद नहीं कर सकते। आइए अब हम आपको बताते हैं कि राजमा के खेत को कब और कितनी सिंचाई की जरूरत होती है। सिंचाई प्रबंधन राजमा में 2 या 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली सिंचाई करने के बाद
एक निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 सप्ताह बाद प्रथम सिंचाई हल्की करनी चाहिए। बाद में सिंचाई 1 माह बाद के अंतराल पर करनी चाहिए। खेत में पानी कभी नहीं ठहरना चाहिए। राजमा की फसल में खरपतवारों का अधिक प्रकोप होता है। खरपतवार राजमा की खेती में एक गंभीर समस्या है। यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो आइए अब आपको खरपतवार नियंत्रण के तरीकों के बारे में बताते हैं। खरपतवार प्रबंधन। प्रथम सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई के समय पौधों पर थोड़ी मिट्टी चढ़ाना लाभप्रद रहता है। गुड़ाई के समय थोड़ी मिट्टी पौधों पर चढ़ाना चाहिए ताकि पौधों पर फलियां लगने पर पौधे गिर न सकें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के बाद तुरंत ही उगने से पहले पेंडा मैथिलीन का छिड़काव 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव के समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। मौसम में बदलाव होने पर कीट की संख्या में तेजी से इजाफा होता है और नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। सैकड़ों की तादाद में कीट पौधों के पत्तियों और बीजों से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। वहीं कीट से ग्रसित पौधे कमजोर होकर पीले पड़ जाते हैं। पौधों पर फफूंद पनपने से उपज बहुत घट जाती है और दाने सिकुड़ जाते हैं। गुणवत्ता में कमी होने से बाजार में भाव भी कम मिलता है। आइए अब हम आपको रोग और कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हैं। रोग प्रबंधन। रोग मोज़ेक। रोकथाम। इनको रोकने के लिए कीटनाशक 1.5 मिलीलीटर रोगार या डेमोक्रान का छिड़काव करना चाहिए। कीट प्रबंधन। कीट सफेद मक्खी और माहू कीट। रोकथाम। प्रभावित फसल को तत्काल उखाड़कर जला देना चाहिए और बची हुई फसल में हर हफ्ते नीम पानी और झाइम का छिड़काव करते रहना चाहिए। राजमा की सब्जी हमें 5 सितारा होटल से लेकर हाईवे के किनारे बने छोटे ढाबों में आसानी से मिल जाती है। अन्य दलहनी फसलों की तुलना में राजमा की उपज हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसलिए कई जिलों में किसान अब दलहनी फसलों के तौर पर राजमा की खेती पर जोर दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि राजमा की खेती के लिए कौन से उत्तम बीज हैं और उन बीजों की बुआई कैसे करें। साथ ही आपको बताते हैं कि फसल की कटाई कब करें जिससे बेहतर पैदावार मिल सके। कटाई आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में फसल पक जाती है। राजमा की फलियां पीली पड़कर पकने लगे तब कटाई करनी चाहिए। राजमा की फलियां जब 125 से 130 दिन में तैयार हो जाएं तब कटाई करें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लेना चाहिए। राजमा की उन्नत खेती से 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दानों की उपज प्राप्त हो जाती है। फसल की कटाई के बाद हमें अपनी फसल का भंडारण सुरक्षित रूप से करना चाहिए जिससे आवश्यकता अनुसार हम अपने उत्पादन का उपयोग कर सकें। आइए अब हम आपको भंडारण करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। भंडारण। जब दानों में नमी 8 से 10% हो तब अन्न का भंडारण करें। भंडारण में नीम की पत्ती और हींग का प्रयोग करें। राजमा की खेती के लिए देश के सभी हिस्सों में अनुकूल वातावरण नहीं है, इसलिए निकटतम विशेषज्ञ से जरूर जान लें कि राजमा की खेती के लिए आपका क्षेत्र उपयुक्त है या नहीं। अब हम आपको राजमा की खेती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बातें। राजमा की जड़ में नाइट्रोजन सोखने की क्षमता दूसरी दलहनी फसलों से थोड़ी कम होती है। राजमे में नाइट्रोजन का प्रयोग दूसरी दलहनी फसलों से ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। राजमा के खेत में जल जमाव किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। राजमा की फसल सर्दी के प्रति कुछ ज्यादा ही संवेदी होती है। राजमा को पाले से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए।
तो किसान भाइयों, ये तो थी राजमा की खेती से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। फिलहाल अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपको किसानों द्वारा पूछे गए खेती से जुड़े सवालों से रूबरू करवाएंगे। किसान भाइयों, आपकी सहायता के लिए लाइव टुडे की ओर से चलाया जा रहा है कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में। अब तक हमने आपको कई सारे फसलों, फलों और फूलों की खेती के बारे में बताया। साथ ही आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो सकें, इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जो कि बिल्कुल मुफ्त है, जिस पर हमें किसानों की ओर से सराहना तो मिल ही रही है, साथ ही उन्होंने खेती में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए हमसे संपर्क भी किया है और कई किसान भाइयों के सवालों का हमने अपने विशेषज्ञों द्वारा समाधान भी किया है। कुछ ऐसे ही सवाल आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये वो सवाल हैं जिसे किसान भाइयों ने हमसे पूछा है और उसका जवाब जानने की कोशिश की है। बहराइच के रहने वाले किसान धर्मेंद्र त्रिपाठी ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर कॉल के माध्यम से अपनी समस्या रखी। उनका सवाल है, आज का सवाल, चने की खेती के लिए बुआई का समय और विधि बताइए। हमारा जवाब, धर्मेंद्र जी, चने की बुआई समय पर करने से फसल की वृद्धि अच्छी होती है, जिसके फलस्वरूप उपज अच्छी मिलती है। 20 से 30 अक्टूबर तक चने की बुआई करने से सर्वाधिक उपज प्राप्त होती है। असिंचित क्षेत्रों में अगेती बुआई सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक करनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में पछेती बुआई दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक पूरी कर लेनी चाहिए। धर्मेंद्र जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। भाई, ये बात करते हैं आज के दूसरे सवाल के बारे में। चंडीगढ़ के रहने वाले किसान भाई दलबीर सिंह ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर हमसे संपर्क करके अपनी समस्या रखी है। उन्होंने हमसे जानना चाहा है कि आज का सवाल, आंवले की पैदावार बढ़ाने के लिए उपाय बताएं। हमारा जवाब, दलवीर जी, आंवले की अधिक पैदावार के लिए कलमी विधि का प्रयोग करें। इसके बीज की बुआई करते हैं जिससे खेत में ही सीधे पौध बन जाती है। परंपरागत तरीके से इसकी खेती लगभग बंद हो रही है। वर्तमान में कलमी पौधे बनाकर आंवले की खेती की जाती है। कलमी पौध बनाने के लिए सबसे पहले खेत में आंवले के बीज की बुआई करते हैं। पौधे में कलमे निकलने के बाद इन कलमों को प्लास्टिक की थैली से बांधकर पौध बना ली जाती है। इस पौध को सीधे खेत में लगाया जाता है, इसीलिए इसे कलमी पौध कहा जाता है। दलबीर जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। भाई, ये बात करते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में। लखनऊ के रहने वाले किसान भाई राजेंद्र मिश्रा ने भी हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर अपनी समस्या रखी। उनका सवाल है कि आज का सवाल, सरसों की खेती में रासायनिक खादों के प्रयोग के बारे में जानकारी चाहिए। हमारा जवाब, राजेंद्र जी, रासायनिक खादों के प्रयोग के लिए नाइट्रोजन 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। डाई अमोनियम फॉस्फेट 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। पोटास 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। जिप्सम 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। नाइट्रोजन और फास्फेट की आधी मात्रा को बुआई से पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए।
राजेंद्र जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की वो समस्या, उनके समाधान जो कि आपने हमसे पूछे थे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा और हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए समाधान से पूरी तरह से संतुष्ट होंगे और आगे भी खेती किसानी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हमसे हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर हमसे संपर्क करते रहेंगे, अपने बहुमूल्य सुझाव भी देते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।